सो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं हेडफोन के बारे में। डीजे के लिए कौन कौन से हेडफोन बेस्ट हैं, आज वीडियो में क्या देखेंगे। इसके अलावा कई बार बहुत सारी प्रेफरेंसेस रहती हैं, जैसे कई डीजे ऐसे होते हैं जिनको हैवी हेडफोन पसंद होते हैं, किसी किसी को बोल सकते हैं जो लाइट वेट हेडफोन होते हैं वह पसंद होते हैं, किसी किसी को इन ईयर मॉनिटर पसंद होते हैं। तो हम इस वीडियो में सारी चीज़ें देखने वाले हैं कि कौन सी बेस्ट है डीजे के लिए। इसके अलावा डीजे जब हेडफोन परचेज करता है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हेडफोन में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, हम इस वीडियो में यहाँ भी देखने वाले हैं। सो गाइस, यदि आपको हेडफोन परचेज करना है या आने वाले टाइम में परचेज करना चाहते हैं इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे, स्वागत है आप इस वीडियो में, देखते हैं इससे आपको हेल्प मिलने वाली है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आप किसी को भी देख के आप हेडफोन परचेस मत कीजिएगा, क्योंकि सबकी प्रेफरेंस अलग होती है, सबका स्ट्रक्चर अलग होता है, सबके बोल सकते हैं जैसे कि आप किसी को हैवी पहनना पसंद है, किसी को लाइट वेट पहनना पसंद है, तो आपके क्या पसंद है यह आपको पता है। तो यह कभी भी किसी को देख के हमें सोचना कि मैं यह हेडफोन परचेस कर लूँ, इसके लिए मैं आपको थोड़े से बाद में आपको बताऊँगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, डीजे जब भी हेडफोन परचेस करने जाता है तो उसको सबसे पहले क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो सबसे पहले जो मेन थिंग है वह है साउंड। जैसे कि आपको पता होगा हम बहुत ज़्यादा लाउड एनवायरनमेंट में काम करते हैं, आपके मॉनिटर की स्पीकर की आवाज़ आ रही है, बहुत जगह की स्पीकर की आवाज़ आती रहती है, तो उसी एनवायरनमेंट में आपको हेडफोन में ही सुनना है और उसका मिक्स करना है, तो साउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साउंड सबसे पहले चेक कीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इसके आपको कम्फर्ट का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि हम बहुत लॉन्ग साइड भी कभी कभी प्ले करते हैं। अब जैसे कि मेरे पास कई बार लोग पूछते हैं जो मेरे बीट के हेडफोन है, सर मुझे यहाँ परचेज करना है, इसका क्या प्राइस है। तो गाइस, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि किसी को भी देख के हेडफोन परचेस नहीं करता, क्योंकि उसकी रियलिटी मुझे ही पता है, इसमें बिल्कुल भी आप बोल सकते कंफर्टेबल नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा टाइट हेडफोन है, क्योंकि मेरे से ही बहुत सारे लोगों ने बोल सकते हैं एक आध दो बार प्ले करने के लिए लिए हैं, उसके बाद उन्होंने कभी भी नहीं लिए, क्योंकि उससे वह प्ले ही नहीं कर पाए, इतने टाइट हेडफोन है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ किसी को भी देख के हेडफोन परचेस मत कीजिए, आप खुद चेक कीजिए आप उसमें कंफर्टेबल है या नहीं है, ठीक है। तो कंफर्ट का भी ध्यान रखना है। इसके बाद जो थर्ड थिंग है वह है ड्यूरेबिलिटी। अब गाइस, यह भी आपको देखना है कि हेडफोन यदि थोड़े बहुत गिर भी जाए तो ऐसा ना हो कि बहुत जल्दी ही टूट जाए, आपको देखना कि थोड़े स्ट्रॉन्ग तो है ना। इसके अलावा थोड़े से जो प्लास्टिक है, जो बॉडी मटेरियल है, उनको चेक कीजिए कि थोड़े ना अच्छी क्वालिटी में बने हो, ठीक है। इसके अलावा केबल आप देख सकते हैं उसमें कोल्ड केबल है या नहीं है, ईयर कप्स देख सकते हो कि ईयर कप्स एक्स्ट्रा भी हैं कि नहीं, ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें, इन बातों का ध्यान रखना है। इसके जो लास्ट थिंग है, आपको यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको चेक करना है कि इससे हमारा एक पार्ट खराब हो गया हेडफोन का तो वह चेंज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे डीजे हेडफोन हम इतना यूज़ करते हैं कि कुछ ना कुछ खराब होता ही रहता है, तो इस बात का भी आप चेक कीजिएगा कि चेंज हो पाते कि नहीं हो पाते। इसके अलावा सारी चीज़ निकल जाती है, इससे आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं डीजे के लिए कौन कौन से हेडफोन बेस्ट हैं। अब यदि मैं मेरी आपको प्रेफरेंस बताऊं तो मुझे लाइट वेट हेडफोन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले मैं लाइट वेट की बात करता हूँ, फिर उसका जो है बहुत हैवी है उनके लिए बात कर लेंगे, इसके अलावा मैं एक इन ईयर मॉनिटर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो हम लाइट वेट की सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मुझे अच्छा लगता है वो है Sennheiser के SG25। इसमें भी तीन मॉडल आते हैं, थोड़ा वायर का डिफरेंस आप चेक कर लीजिएगा। अब इसकी जो साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, बट इसके बाद जो कम्फर्ट है बहुत अच्छा है, बिल्कुल लाइट है, मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम अभी तक देखने को नहीं मिली है। और यदि हम बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो अभी तक मैंने इतना यूज़ किया है, इसमें मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। और यदि हम बात करें कुछ ख़राब हो जाता है तो अलग अलग पार्ट आप चेंज भी करा सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें इसकी केबल की, तो मॉडल के साथ मुझे केबल भी मिल जाती है, कोइल केबल, और ईयर कप्स भी मुझे अभी तक ख़राब होते हुए नहीं दिखे हैं, एक दो साल मुझे हो चुके हैं इसको यूज़ करते हुए। इसके अलावा मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाई है, इसके बारे में पूरा अच्छे से बताया, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेक भी कर दूंगा। इसके अलावा यदि हम दूसरे हेडफोन की बात करें तो इनका नाम है IIITMA2। यह बिल्कुल लाइट वेट हेडफोन है, और यदि हम इसके रिव्यू की बात करें तो मेरे बहुत सारे डीजे फ्रेंड हैं जो इसे यूज़ कर रहे हैं, उनको आज तक इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। और इसके अलावा थोड़ा सा हम बात करें और तो इसके जो कंपोनेंट है बिल्कुल खुल जाते हैं, अलग अलग जो कंपोनेंट है उसको आप चेंज करा सकते हैं यदि वह खराब हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, बिल्कुल लाइट वेट हेडफोन है। यदि आप इसे उतार के रखते हैं तो उसमें भी इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, तो बहुत अच्छे हेडफोन है, इनकी जो साउंड क्वालिटी है, कम्फर्ट है, ड्यूरेबिलिटी है, सब कुछ बेस्ट है, तो इस हेडफोन को भी आप परचेस कर सकते हैं। इसके बाद जो मेरा थर्ड हेडफोन है उनका नाम है Pioneer SDJ-CX। अभी बिल्कुल इसी साल आए हैं, अभी अभी लॉन्च हुए हैं, ज़्यादा टाइम इन्हें नहीं हुआ है। अब इसको मैंने पर्सनली यूज़ कभी नहीं किया है, बट इसके रिव्यू अच्छे हैं, इसे आप ले सकते हैं। इसके अलावा Pioneer कंपनी के भी हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप जाकर डेमो चेक कर सकते हैं, साउंड सुन सकते हैं, और उसके बाद परचेस कर सकते हैं। मुझे लगता है यह भी बेस्ट हेडफोन है यदि आपको लाइट वेट हेडफोन परचेस करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम बात करें, जैसे कि
लिए पसंद नहीं है, बट बहुत सारे स्टील जो डीजे से वो परचेस करते हैं वो यूज़ करते हैं, तो मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। अब जो हमारा फोर्थ हेडफोन है उसका नाम है वी मोडा क्रॉस फ्रेंड। मेरे बहुत सारे डीजे फ्रेंड है जो इस हेडफोन को यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैंने भी थोड़े दिन यूज़ किया है, बट इसमें प्रॉब्लम यह है जैसे मैं यहाँ पर पहनता हूँ तो मैं कम्फर्टेबल फील नहीं करता हूँ, ठीक है, तो मुझे इसमें प्रॉब्लम है। बट बहुत सारे डीजे ऐसे हैं उन्हें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो यदि आपको भी नहीं आ रही है तो आप इस हेडफोन को परचेस कर सकते हैं। इनकी जो साउंड क्वालिटी है कम्फर्ट बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया दिया इसकी प्रॉब्लम के अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा ड्यूरेबिलिटी सब कुछ ठीक है। इसके अलावा आप इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ कर सकते हैं, इसमें आप अपना लोगो लगा सकते हैं, आप अपनी खुद की ब्रांडिंग कर सकते हैं, तो इस हेडफोन को भी आप परचेस कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ हेडफोन है इसका नाम है ऑडियो टेक्निका का M50X। बहुत सारे लोग M40X भी यूज़ करते हैं। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि जो 40X है यह पूरे मुड़ते नहीं है और 50X पूरे मुड़ जाते हैं। अब यदि मैं इस हेडफोन की बात करूँ तो बहुत सारे डीजेस फ्रेंड हैं मेरे जो इस हेडफोन को भी यूज़ करते हैं, बट मैं पर्सनली मेरी बात करूँ तो मैं इसे कभी यूज़ नहीं करता। यदि स्टूडियो की बात आई है या प्रोडक्शन की बात आएगी तो मैं यूज़ कर लेता हूँ, उसके लिए मेरे लिए ठीक है, बट डीजिंग के लिए मैं कभी यूज़ नहीं करता। इसके अलावा जैसे कि कई लोगों का ऐसा रहता है कि उनको पूरे ईयर कवर करके सुनना अच्छा लगता है, यदि बड़े के ईयर कवर सबको भी अच्छे लगते हैं तो आप भी इस हेडफोन को परचेस कर सकते हैं, यह भी आपके लिए ठीक रहेंगे क्योंकि साउंड क्वालिटी इसकी भी अच्छी है। इसके अलावा मैं आपको एक अल्टरनेटिव ऑप्शन और बता देता हूँ। कई लोग हेडफोन यूज़ करना पसंद नहीं करते, कई लोग इन ईयर मोटर यूज़ करना पसंद करते हैं, मुझे भी वही अच्छे लगते हैं क्योंकि जैसे कि आपको कैरी करना हो तो बहुत ईजी रहता है। इसके अलावा क्या रहता है जैसे कि आप हेडफोन भी अंदर मिक्स करते हैं तो उसमें भी आप बेस्ट रहते हैं। तो इसमें हमारे पास कौन सा अफोर्डेबल प्राइस पे हमारे पास इन ईयर मोटर बेस्ट है, तो हमारे पास एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम है सरका AC215। तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं, इसमें मैंने पूरी वीडियो बनाई है तो आप जाकर चेक कर लीजिएगा, इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और टैग भी कर दूंगा। इसके अलावा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर बताइएगा कि आप कौन सा हेडफोन यूज़ कर रहे हैं, और यदि आप परचेस करना भी चाहते हैं तो इनमें से आप कौन से परचेस करेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और गाइस मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो जो भी आपके फ्रेंड है उनको यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उसे भी हेल्प होगी और जो अपने चैनल की रीच वहाँ भी ज़्यादा होगी। और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन पर दबा दीजिए, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आपसे पहुँचते रहे। थैंक यू।